वेलकम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग और उसके बारे में प्रोविजन पढ़ेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है डिटेल में आज समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन मतलब आर्टिकल किसी भी कंपनी का एक आर्टिकल द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी और इट्स बाय लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन डेट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस पिछले वीडियो में मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर है कंपनी का फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल पावर को एक्सप्लेन करता है कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल पार्टी के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन काम में आता है लेकिन अब बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है कि कंपनी का बाय लॉ है बाय लॉ कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है इसका मतलब क्या हो गया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को बताने वाला कंपनी के मेंबर को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कंपनी के इंसाइडर्स को जो कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करते हैं ये कंपनी के मेंबर्स को कंपनी के इंसाइडर्स को वर्कर्स को ये सिखाता है कि किस तरीके से आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है अपने बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर सो आर्टिकल एक लॉ बताता है एक लॉ है जो कंपनी के इंटरनल अफेयर को मेंटेन रखता है सबसे बड़ी बात है इंटरनल अफेयर को पिछली वीडियो में मैंने मेमोरेंडम पढ़ा है मेमोरेंडम एक्सटर्नल पार्टी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी तब उसके अंदर मेंटेनेंस रखता है लेकिन जब आर्टिकल की बात करें तो इंटरनल इंसाइडर्स के के लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए बिजनेस के अंदर आर्टिकल ही काम में आता है आर्टिकल ऑफ कंपनी एक रूल्स और रेगुलेशन एक एजेंडा है कंपनी का जो कंपनी के इंसाइडर्स को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयरनेस अवेयर कराता है अवेयरनेस लेकर आता है सेकेंड पॉइंट बता रखा है आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी आर सब ऑर्डिनेट टू एंड आर कंट्रोल बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ कंपनी क्या है सब ऑर्डिनेट है किसका मेमोरेंडम एसोसिएशन का कंट्रोल किसके द्वारा होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन पिछली वीडियो में मैंने मेमोरेंडम पढ़ाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ के अंडर में आता है कंपनी साइट के अंडर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सब ऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो दर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी आर सब ऑर्डिनेट टू एंड आर कंट्रोल बाय द एम ओ ए मेमोरेंडम एसोसिएशन जो इसकी पावर्स है जो इसका रोल है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में आता है तो अभी हमने दो बातें पढ़ी है फर्स्ट आर्टिकल आर रेगुलेशंस एंड सेकंड दे आर कंट्रोल बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे आर सबोर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन थर्ड पॉइंट हमें कहता है थर्ड पॉइंट हमें बताता है द मेमोरेंडम लेज डाउन द स्कोप एंड पावर्स ऑफ द कंपनी एंड आर्टिकल्स गवर्न द वेज इन द विच द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर टू भी कैरी अटआउट एक डिफरेंस वाला पॉइंट बता रखा है कि मेमोरेंडम हमें क्या बताता है कंपनी के स्कोप एंड पावर को डिफाइन करता है कंपनी का क्या स्कोप है कंपनी का क्या पावर स्ट्रक्चर है कंपनी का फंडामेंटल राइट्स क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और आर्टिकल क्या कवर करता है ऑब्जेक्ट कंपनी का ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कैरीड आउट चलाना है कंटिन्यू करना है मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट बताता है लेकिन ऑब्जेक्ट को चलाना कौन बताता है आर्टिकल्स हाउ टू मेंटेन द द ऑब्जेक्ट्स आर गवर्न बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो मेमोरेंडम लेस्ड डाउन द ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम डिफाइन द ऑब्जेक्ट बट आर्टिकल्स प्रोवाइड द गाइडलाइन टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट मेंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो मेमोरेंडम स्को पावर का बताता है और आर्टिकल ऑब्जेक्ट को कैसे मेंटेन करते हैं पावर को कैसे मेंटेन करते हैं इंसाइडर्स वो बताता है इसके बाद बात करेंगे एक नोट दे रखा है इट मे बी नोटेड कंपनीज एक्ट थर्टीन मेंटेन इट मेक्स इट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल्स एंड फाइल द सेम विदी फॉर रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी सेक्ट के अकॉर्डिंग थर्टीन का जो लॉ कहता है कि हर कंपनी को कंपलसरी है अपना ओन आर्टिकल बनाना और उसको आर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना तो आज हमने आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के फोर पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें हमने मीनिंग को डिटेल में समझा है और मैर मेमोरेंडम से किस तरीके से अलग है किस तरीके से इनका जो रूल रेगुलेशन है वो हमने पढ़ा है थैंक यू